दोस्तों, आज के इस टाइम में हम सब स्मार्टफोन तो यूज़ करते ही हैं, और ऐसे में हम सब चाहते हैं कि हमारे स्मार्टफोन की बैटरी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चले। कंपनी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि हमें अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करे, लेकिन कुछ कोशिश हमें भी करनी चाहिए जिससे कि हम अपने स्मार्टफोन की बैटरी को अच्छा बना सके उसको लंबे समय तक चलाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन की बैटरी की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। पहला जो आ रहा है वो आ रहा है टर्न ऑफ वाइब्रेशन मोड। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इनकमिंग कॉल्स या मैसेजेस या नोटिफिकेशन वगैरह के लिए जब भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो हमारा जो फ़ोन है वो डांस करने लगता है, मेरा मतलब वाइब्रेट करने लगता है। तो दोस्तों, इसको आपको बचा के रखना चाहिए अपने फ़ोन को बैटरी लाइफ को बचाने के लिए, कि आपको उस वाइब्रेशन मोड को ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि वाइब्रेशन मोड काफ़ी बैटरी लाइफ लेता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो आते हैं क्लोज ऐप्स यू आर नॉट यूजिंग। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जो ऐप नहीं यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, तो हमें वो टास्क मैनेजर से जाके उस ऐप को साफ कर देना चाहिए, उस ऐप को हटा देना चाहिए, जिससे कि क्या है हमारे जो स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ है वो इतनी कंज्यूम नहीं होगी। क्योंकि बैकग्राउंड में जब वो कोई दूसरा ऐप खुला हुआ होता है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो बैकग्राउंड में से हमारे पावर को लेता है, हमारी बैटरी की पावर को लेता है, जिसका हमें पता नहीं चलता है, और फिर हम जल्दी से हमारे फ़ोन की बैटरी जो है वो कम हो जाने लगी। नेक्स्ट टिप जो है वो है क्लोज़ और टर्न ऑफ ब्लूटूथ वाईफाई एंड मोबाइल डाटा व्हेन यू आर नॉट इन यूज्ड। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी हमारे वाईफाई या ब्लूटूथ या मोबाइल डाटा ऑन होता है तो वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन लेता है, ये फैक्ट है दोस्तों। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल डाटा काम में नहीं आ रहा है तो आप इसको प्लीज़ उसको टर्न ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपका स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, काफ़ी आपका बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा आपको। जो नेक्स्ट टिप है वो है कीप योर फोन कूल। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, कभी कभार हम बहुत ज़्यादा काम वगैरह या बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटअप होने लगता है, उसमें सीपीयू पे काफ़ी दबाव पड़ता है, और वो ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण वो फिर बैटरी से ज़्यादा कंजम्पशन लेता है, इसकी मदद से हमारा जो है वो बैटरी बैकअप इतना नहीं मिल पाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने अपने फ़ोन को है ना टाइम टाइम पे आप उसको रेस्ट दीजिए, अपने आँखों को भी रेस्ट दीजिए और अपने फ़ोन को भी रेस्ट दीजिए, ताकि दोनों का जो है आपकी आँखें भी सही चले और आपका फ़ोन भी सही चले। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है वो है रिड्यूस स्क्रीन टाइम आउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपना फ़ोन ऑन करते हैं, यूज़ करने के बाद उसको ऐसे ही रख देते हैं और उसकी स्क्रीन चालू रहती है, भले चाहे होम स्क्रीन पर आप कोई काम नहीं कर रहे हो लेकिन उसकी स्क्रीन चालू होती है, जिसकी मदद से वो बैटरी कंजम्पशन करता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है कि आप अपने स्क्रीन टाइम आउट को कम से कम रखें, 30 सेकेंड या 1 मिनट रखें, क्योंकि नहीं तो फिर अगर आप 2 या 5 मिनट रखते हैं तो फिर वो स्क्रीन टाइम आउट कम्प्लीट होने के मतलब 5 मिनट बाद फिर आपका फ़ोन ऑफ होगा, इतनी देर में आपकी बैटरी कंजम्पशन काफ़ी हो जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अपने स्क्रीन टाइम आउट को कम से कम रखें। एडिशनल टिप जो है वो सब तो आप जानते ही हैं, जो कि है पावर सेविंग मोड को ऑन करना। ये दोस्तों कौन नहीं जानता कि जब भी हमें बैटरी सेव करनी हो तो हम पावर सेविंग मोड को ऑन कर ले, ये सिंपल ट्रिक है जिससे कि आप अपने बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर सकते। आज की इस वीडियो में इतने दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही और कमाल धमाल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में जब आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।